जो है वो फिर भूल गया मैं। महाभारत अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो वो जाए दूसरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है हमारे महाभारत रिएक्शन चैनल का, वहां पे जाए महाभारत देखें, जिसको नहीं पता वो लाजमी विजिट करे। और दूसरा जो है हमजा को जो जानते हैं लोग, और हमजा को उसने जानते जो है हैं वो बहुत सारे जानते अपना हैं जो है भाई। चैनल बनाया है और व्लॉग बना रहा है, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा बिल्कुल हमजी व्लॉग के नाम से, बिल्कुल उसको भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करें होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, मुस्लिम्स इन हिंदू मंदिर यूएई ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ हिंदू मंदिर बाय पीएम मोदी शोएब चौधरी। रियल एंटरटेनमेंट टीवी की वीडियो है जी, और शोएब चौधरी मेरे ख्याल में उधर गए हुए हैं, और अभी जो है वीडियो देखते हैं कि दुबई। मेरे ख्याल में, क्योंकि उनकी पहले एक वीडियो मैंने वो टाइटल देखा था तो उससे मुझे लगा कि वो गए हुए हैं, लेकिन चल चले देखते हैं अभी। और ये उनकी लेटेस्ट वीडियो है जब हम वीडियो रिएक्शन कर रहे हैं, नहीं तो उससे पहले भी 3-4 आई हुई थी। तो मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर वरिष्ठ अग्रवाल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अच्छा अपना नाम बता दिए। मेरा नाम राजू मार्ग है भाई, राजू मैं इंडिया से हूँ, बहुत वीडियो देखता हूँ। अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया आपका नाम। जतिन मौर्य। जतिन भाई कैसे हैं? आपका जेल हुआ था ना वीडियो, लेकिन अभी यहाँ पे मौजूद हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका वीडियो का बहुत इंतजार किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, दिल से प्यार है यार आपका। अच्छा ये देखिए यहाँ पे मोहब्बत देखिए जी, फोटो ले लें जरूर जरूर। हम तो मैं तो यहाँ पे देख यही है, यही बोलूंगा कि अबू धाबी हो गया, यू ही हो गया, ये अब इंडिया वालों का हो गया। ओके जरूर जरूर। ओके मुलाकात फिर देख लो, देख लो छोटी सी दुनिया है। और अच्छा ये भाई वो है जो हमें पहले भी मिले थे, और क्या कहना चाहेंगे, इतना ज्यादा रश है, कैसे हैं? कैसे हामिद भाई को सलाम बोल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप कोशिश करते हैं कुछ अच्छा किया जाए। श्योर वाला ठीक है, वेलकम ठीक है। और ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब हमारा फर्स्ट डे अबू धाबी में स्टे था, और मतलब होटल वगैरह हम विजिट कर रहे थे, तो ये वो भाई हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले, मेरे ख्याल से जब हम यहाँ पे उतरे हैं यूएई में आए हैं, सबसे पहले ये भाई हैं जिन्होंने हमें पहचाना, और इन्होंने हमें खाना भी जो सा वो खिलाया था नहीं बताना चाहिए ना। और अभी भी सडनली मिले हैं, ये नहीं है कोई मतलब ये फिर हमारे साथ रहे, मतलब इत्तफाक है ऐसा। और देखे कितनी छोटी दुनिया है, और इस दुनिया में मोहब्बत की बात करनी चाहिए, पीस की बात करनी चाहिए। सही है जी, चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो कैसे आप लोग? तो आपको हर चैनल हर टाइम में हम लोग देखते रहते हैं। सब जिंदाबाद, सब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। डेफिनेटली दिस थिंग पीस एंड हार्मनी, जैसे ये मतलब ऐसा ही है जबरदस्त। और किसी भी कंट्री से लोग बिलोंग करते हैं, बहुत खुशी होता है जो आप बात करते हैं ना, सच्चाई पे बात करते हैं, कोशिश करते हैं उधर का ना इधर का, नहीं सच्चाई, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी दोनों तरफ का सच्चाई सामने लेके आता है। ऐसे ही हम लोग को बहुत खुशी हुआ था, आप बहुत शुक्रिया। और देखे ये मेरे ख्याल से यही फीडबैक है जो हमें मिला। हेलो सर कैसे हैं आप? ठीक है खैरियत से? आपके वीडियो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो कैसे आप? ठीक है अच्छा। और यहाँ पे हम बहुत से मेरे इंडियंस भाई हैं जो मौजूद हैं, और मैं ये समझता हूँ कि यही मोहब्बत है। अभी बहुत से लोगों के लिए एक मैसेज है, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि देखें जब आप सच के साथ, जब आप पीस के लिए, हार्मोनी के लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपको फीडबैक जरूर मिलता है, आपको रिस्पांस जरूर मिलता है। ये रिस्पांस आज इन लोगों की मोहब्बत की सूरत में मुझे मिल रहा है। बिल्कुल हम सिंपली यहाँ पे मौजूद थे, किसी को नहीं बताया कि हम यहाँ पे हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ आए, मोहब्बत दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ इस तरह के जो इवेंट्स हैं यही पीस एंड हार्मनी का एक बहुत बड़ा मैसेज होते हैं, सिर्फ ना सिर्फ यूएई के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान में भी होने चाहिए, इंडिया में भी, और मतलब पूरी दुनिया में ये चीजें होनी चाहिए। हेलो सर कैसे आप? ठीक है
पासपोर्ट है। और भाई आबिद भाई को साथ में नहीं लेके? आबिद भाई का पासपोर्ट का थोड़ा इशू था, अच्छा, एक्सपायर हुआ था, इसलिए फिर अचानक वो नहीं हो सका। हम लोग तो बहुत फैन है आप लोगों का, दोनों का। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, योर नेम? अनिल। ठीक है, फ्रॉम व्हिच सिटी? मुंबई। जी जी, जरूर जरूर, जरूर, जरूर। एक मिनट सर। ठीक है जी, जी सर, आइए आइए। नहीं आया, अच्छा फिर लेंगे, फिर आ जाए। जी 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 जी। हेलो, कैसे हैं आप? हम इंडिया से, आपका बहुत राजस्थान से? ठीक है, और राजस्थान से है, ठीक हो गया। राजस्थान से सर, आज मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में मौजूद हूँ, ये यहाँ पे सब इंडियंस ही है। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी जी जरूर, सामने से बैठे। जी जी सर, सर, सर। एक्सक्यूज मी, अगर मैम को थोड़ा आप देते हैं। मैम आपका नाम? फ्रॉम वेयर? इंडिया। फ्रॉम विच सिटी? आगरा से है। अच्छा, आगरा की, आगरा से भी एक खास मोहब्बत है, मतलब और बहुत फेमस है पाकिस्तान में आगरा, और इस तरीके से आप यहाँ पे यूए के? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से? ये पूरी दुनिया में एक मैसेज है, क्या समझते हैं ये एक कम्युनिटी की तरफ से मैसेज है या एक इंसानियत की तरफ से मैसेज? ये मैसेज अगर आप मुझे पूछेंगे तो इंसानियत की तरफ से, और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे किसी एक रिलीजन के लिए, बिल्कुल यहाँ पे सिख कम्युनिटी मौजूद है, बहुत मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, सबके लिए है, ऐसे ही है। और जितने भी मैंने जैसे आगे पहले से देखते आ रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, रियल टॉक विद, ठीक है, रियल एंटरटेनमेंट टीवी, जी जी, तो मैं पहले से फॉलो कर रहा हूँ आप जो मैसेज दे रहे हैं। लेकिन आप ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है यूए की सीरीज, इसको आपने इस सीरीज को जरूर ना सिर्फ देखना है, शेयर करना है, मतलब ये एक पीस का मैसेज है, पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। एक आपके साथ में अलीबेद का नाम, आबिद भाई, आबिद अली। अच्छा आबिद, आबिद भाई आप देख ले, आपके भी बहुत चाहने वाले मौजूद हैं, और लेकिन नो डाउट, एक तो वो थोड़ा बिजनेस में मसरूफ है, थोड़ा उनका डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ऐसे ही, अच्छी बात, क्योंकि वो पीस की बात करते हैं, उसको हम इंडिया में बुलाना चाहते हैं। सही सही बात, जो भी वीडियो हम हर वीडियो देखते हैं। अच्छा, लेकिन आप हर वीडियो देखते तो आपको पता था मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि मैंने दो तीन दिन अनाउंस कर दिया, मैं इधर देख रहा था मोदी के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अचानक हमारा नजर आप लोग पड़ गया, इसलिए हम उधर को सपोर्ट की तरह, बिल्कुल, दरअसल इशू आपका कल वीडियो देख रहा था आबू धाबी से, जी बिल्कुल, फिर हम सोच रहे आप मंदिर के अपने साइड में आगे हम लोग मिल जाएंगे, तब देखे मुलाकात हो गई। और अभी किसी को नहीं बताया गया, ना कोई हमारे किसी भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कुछ अनाउंस नहीं किया था कि मैं आऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे देखें जैसे लोग मौजूद हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि भाई में कोई ना कोई मीटअप रखे इंडियन कम्युनिटी के साथ, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। जी जरूर, पाकिस्तान का कोई सुनिए, हम लोग भाई की तरह, बिल्कुल, इधर तो फील ही नहीं हो रहा, कुछ भी फील नहीं हो रहा यहाँ पे। आए जी, कैसा ये इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? सब बढ़िया, ओके ओके, फिट ओके, चले जी, आए चले, जी जी जी। हेलो, कैसे हैं सर? हम हमेशा देखते हैं आप ऐसे ही अपना सच्ची बातें बताया करिए, जिससे आपका उधर का जो कौम, बिल्कुल कुछ ना कुछ, अच्छा लोग है ना, हेलो कैसे, को सही चीज पता, ठीक है, क्या लगता है आपको कि सोच बदल रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सोच बदल रही है, बहुत से लोग देख रहे हैं, बदल रही है, बहुत सोच बदल रही है, और आगे आगे के फ्यूचर्स के अंदर है ना, सब लोग बदल जाएंगे डेफिनेटली, और ये अभी खुद बदल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मजबूरन बदलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसे ही, हाँ जी, उससे बेहतर है कि अभी हम बदल जाए, खुद को अवेयर करें, खुद को एजुकेट करें, यही समय बदल रहा है, तो समय के साथ बदलना पड़ेगा, ऐसा ही है, समय सोच नहीं बदलता, आज ये इधर खड़ा नहीं होता, यही चीज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है, और मेरा यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी में खड़ा है ये, बिल्कुल ऐसे ही है, और साथ में चर्च भी होगा, साथ में उसके मस्जिद भी बनने वाला है, सब ये चर्च है, तो ये सोच ही है सर, सोच बदल रहा है, ऐसा ही है, इस बाकी तो ये सब तो वो सब लोगों ने बनाया बनाया है, हाँ ये चीज है, तो एक ही सब, अच्छा, और एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, जो पाकिस्तान से मेरे भाई देख रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से देख रहे हैं, कि देखें मैंने जितना इस मंदिर के हवाले से स्टडी किया, यहाँ पे आके लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि भाई जितनी लेबर थी ज्यादातर तो पाकिस्तान से थी, मुस्लिम थी, यानी कि हम बना सकते हैं, तो रिस्पेक्ट भी करना हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, हमने जिस भी लेबर के साथ काम किया है, इधर पाकिस्तान के भी थे, अच्छा ये मंदिर बनाने में, मंदिर बनाने में हमारे साथ पाकिस्तान के भी, सभी कम्युनिटी के लोग थे, एक कम्युनिटी नहीं थी, सभी कम्युनिटी के लोग साथ में बैठ के भोजन भी लेते थे, साथ में काम भी करते थे, ये चीज है, और ये मैं जी भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है,
ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं ये चीज अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे यूएई में या मतलब ये है कि आउट ऑफ कंट्री है आप भी हम भी, तो यहाँ पे आके मोहब्बत जाग जाती है वहाँ पे जाके फिर नहीं, 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 ऐसा हर नहीं। जगह पे रहती है लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं ना वही माहौल खराब करते हैं खासतौर पर मेनस्ट्रीम मीडिया या लेकिन ये चेंज करना पड़ेगा लेकिन आपने ये सीरीज को ज्यादा से ज्यादा जितने भी भाई मौजूद है सीरीज को आपने ना सिर्फ देखना है यूएई सीरीज को बल्कि ज्यादा पूरी दुनिया तक मैं समझता हूँ ये मैसेज जाना चाहिए कि एक मुस्लिम एक पाकिस्तानी भी मौजूद है एक हिंदू एक इंडियन भी मौजूद है लेकिन यहाँ पे ना मुस्लिम ना पाकिस्तानी ना इंडियन ना हिंदू की यहाँ पे इंसानियत की बात हो रही है इनमें से किसी ने कोई जिक्र नहीं किया जी कहाँ से है कौन है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज पीस एंड हार्मनी का मैसेज दिया जा रहा है और मैं ये समझता हूँ होना चाहिए ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और ये सब चीजों आप बॉम्बे से है ठीक हो गया क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से इस मंदिर के हवाले से यूएई में इस्लामिक स्टेट में मंदिर हमारा तो गुरुजी है बस सही हम तो आते जाते रहते हैं ठीक हो गया ये जो बनाया है ना वो एक अद्भुत है ठीक है अजीब है सर आप तो क्या कहेंगे एक वीडियो देखता हूं अच्छा अच्छा और आपका नाम मेरा नाम अनिल परमार ठीक है क्या कहेंगे ये एक मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में क्या इस हवाले से आप कहेंगे क्या यही सोच जो यहाँ पे आप आने वाले टाइम में दूसरे कंट्रीज में भी ये सोच आएगी आपके ख्याल से हाँ आएगी अभी सब हम लोग का तो ऐसा हिंदू पाकिस्तान सब एक ही है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कुछ नहीं है और सब इवेंट हुआ है तो इंशाल्लाह और एक मंदिर बनेगा पाकिस्तान का आयोजन तो है हमारे गुरुजी का अच्छा भी कुछ बनाएंगे अच्छा जी जबरदस्त हो गया ये आप तो हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज ही दे रहे हैं और आगे का प्रयोजन तो है उधर अच्छा बनेंगे ठीक है डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे मानते भी है मंदिर सर मैं ये कहता हूँ बनना तो बाद की बात है वहाँ पे ऑलरेडी जो शरदा पीठ आपको पता होगा इसके अलावा हिंगलाज माता का मंदिर है इसके अलावा और बहुत से ऐसे अखिटास राज उन्हें अगर प्रॉपर रेनोवेट किया जाए प्रॉपर उसको मतलब यह की देखभाल की जाए तो पूरी दुनिया से टूरिस्ट आएंगे और ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आएगी रिलेशन पब्लिक यही लोग अगर थोड़ा सा ये मोबाइल से ये कैमरा से दिखाएं मैं कहता हूँ कि जो कल इवेंट था उससे ज्यादा तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद है मेरे ख्याल से हेलो सर कैसे हैं बहुत बड़े फ्रेंड हाँ बिल्कुल ऐसे ही कैसे हैं मैं फिर आपका नाम अमित अमित भाई आप कहाँ से हैं किस सिटी से अबू धाबी में ही रहते हैं अच्छा अबू धाबी में वैसे बेसिकल इंडिया की सिटी से गुजरात से गुजरात से हैं अच्छा मोदी जी के से आप इलाके से हैं सही है ठीक हो गया जी सर जी बहुत बड़ा फैन आपका नाम मेरा नाम दुलाल है मैं आपको सब ऑल वीडियो देखता हूँ ठीक है आप जिस तरह वीडियो में बोल देते हैं जो रियलिटी है किसी के बारे में नहीं सोचते इंसानियत के हवाले से कोशिश ऑलवेज आपको गॉड ब्लेस यू हम लोग आपके साथ है ऐसे बोलते रहिए और आप ये देखिए इन चीजों से एनर्जी मिलती है इन चीजों से मोटिवेशन मिलती है इन चीजों से कहीं ना कहीं ये चीज मेरे माइंड में आती है कि यार जो मैं कर रहा हूँ कम से कम मेरा माइंड मेरा दिल सेटिस्फाई है मुझे ये फील होता है कि मैं इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूँ एफर्ट कर रहा हूँ बेहतर करने की क्योंकि बिल्कुल और उनपे भी मुश्किल आती है ऐसे बिल्कुल सर ये देखिए मुश्किल तो हर किसी के लिए आती है मतलब ऐसा नहीं है आप भी कुछ अच्छा काम शुरू करेंगे कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए भी मुश्किल आएगी तो अभी मेरे ख्याल से टाइम से हम आगे निकल चुके हैं मुश्किल और डर से थोड़ा आगे निकल के अब हम लोग अब जो हिंदू कम्युनिटी के साथ जो वीडियो निकाला ना, जो किया गरीब आदमी का हम लोग तो बहुत उसके लिए बहुत शुक्रिया कर रहे हैं नहीं कोई बात नहीं आप नहीं आपको नहीं वो मेरे भाई हैं वो मेरे पाकिस्तानी हैं वो ये ऐसा नहीं है कि आपको शुक्रिया अदा करने के लिए पहले उठाया था और आपको अच्छा ये भी ये इन्होंने बात किया वो जो कराची के मंदिर डिमोलिश वहाँ आपको ये सब लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि हमने जो पूरी दुनिया में उसके लिए आवाज उठाई वो मंदिर का वो उसका हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से वो दोबारा वही पे मंदिर बनेगा तो ये अभी मैं यहाँ पे एक बड़ी अच्छी न्यूज दे रहा हूँ और ये चीजें हैं हेलो कैसे हैं सर आप कैसे भी एजुकेशन एजुकेशन में डाली है ऐसे एजुकेशन उनको मिले वो आगे बढ़े बिल्कुल ऐसे ही है और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं दबे पड़े हैं ना उनको निकालिए सर कैसे भी सबको निकालिए जो भी है हिंदू मुस्लिम का भी है उनको सबको निकालिए मुस्लिम और सबका जो दबा एरिया है उनको है उनको निकालिए कैसे भी करके आप सच्चाई दिखा के सरकार को अच्छा ये पॉसिबल है या ये सिर्फ वीडियो यूट्यूब के हाथ मतलब मैं लोगों से यही पॉसिबल हो गया सर
और अभी आप लोगों के साथ मौजूद बदलाव आएगा लास्ट, क्योंकि आपके साथ मौजूद हूँ, ये जो लोग मौजूद है इन्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब पहले ऐसा लगता था कि शायद यूट्यूब की हद तक रहेगा, ये वीडियो बनाई दैट्स इट बात खत्म, लेकिन अभी मुझे ऐसी एक मोटिवेशन, सोशल मीडिया है आ रहा है अभी, उस टाइम से अभी बहुत फास्ट अपना न्यूज चला जा रहा है, ऐसा ही है, नो डाउट मौसम बदलाव आएगा इंशाल्लाह, उम्मीद अच्छे की है। और अच्छा लग रहा है जी इनसे बात करके, आइए मजीद भी यहाँ पे जो लोग हैं थोड़ा सा गपशप करते हैं, थोड़ा सा उनसे बात करते हैं, इस इवेंट के हवाले से भी आपको दिखाएंगे कुछ टाइम बाद, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो आएंगे उनका भी विजिट होगा और उनसे भी कोशिश करेंगे अगर यहाँ से वो गुजरते हुए तो कम अज कम हेलो हाय जरूर करेंगे। यहाँ का सिक्योरिटी रहता तो आपको जरूर मिला, मैं समझा शायद बोरे में यहाँ का सिक्योरिटी का हूँ तो आपको जरूर मिलाऊंगा, 100% आपको मिला था, ठीक है ठीक हो गया चले जी। जो चैनल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी काफी वीडियोस देखी है, ठीक हो गया, जो भारत पाकिस्तान के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें दूर खत्म करने की कोशिश, काफी जो लोगों का ओपिनियन है वो आप ला रहे हैं सामने, लोगों के बीच में ऐसा नहीं है, मैं भी काफी पाकिस्तानियों से इंटरेक्ट होता है, मिलते हैं, मेट्स भी थे, यूएस में रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप यूएस से स्पेशल आए हैं, एक ही सिटी में रहते हैं, ठीक हो गया, वहाँ इंडिया पाकिस्तान जैसा नहीं लगता है, जब हम लोग जब मिलते हैं ऐसे ही है, जॉब में वर्क में सोशल में सब एक ही लगता है कि वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम सेम कंट्री। सर यूएई में भी ऐसा है, मैंने भी यहाँ पे भी आके ऑब्जर्व किया है, इधर कोई नहीं, इवन इंडियन पाकिस्तानी मिलकर जॉब कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे भाई लोग, बिल्कुल। हेलो हेलो सर, कैसे हैं, ठीक है, आपका नाम? मुजम्मिल भाई, कहाँ से आप? इंडिया से हैं आप, तो अच्छा इधर आए, ये जो इवेंट है इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और विजिट के वजह से आया था, जबरदस्त हो गया, ये देखे ना जो इधर मुस्लिम भी मौजूद हैं, हिंदू सिख क्रिश्चियन सभी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, इसका ऐसा ही है, इसका मतलब ये है कि भाई आप एक मिनट के लिए यही सोच लो, एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इसे अगर देखो तो पूरी दुनिया में खाया जाता है कि इंडिया में मुस्लिम जैसा है, हाँ, तो ये आप ऐसी और वीडियोस दिखाएंगे तो और डेफिनेटली हम इसके ऊपर, पता है क्या, पहले हम ये कर रहे थे काम के अपने तौर पे, कुछ ना कुछ जो एफर्ट कर रहे थे वो का, लेकिन अभी हमने सोचा कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई हॉस्पिटल, कोई अकेडमी, ऐसा कुछ किया जाए ताकि उनको लॉन्ग टर्म फायदा हो, उनके बच्चों को लॉन्ग टर्म फायदा हो, ये हम प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में, और आप अगर दुआ करेंगे और कुछ करेंगे, और अगर ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, नहीं आप डेफिनेटली कर सकते हैं कि हम जो काम करते हैं सिर्फ उसे देख के अप्रिशिएट कर दिया करें, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नहीं, जैसे कि जो बाहर पब्लिक है जो भी अगर कुछ कर सकते हैं जी, कुछ नहीं उसमें मैं जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करता हूँ, फिलहाल जब ऑर्गेनाइजेशन जब रजिस्टर्ड होगी उसके बाद देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम किसी से नहीं, कुछ जो मेरे करीबी दोस्त हैं उन्हीं के साथ हम मिलके ये सब चीजें करते हैं जी, जरूर, व्हाई नॉट, थैंक यू, चले जी। सर सब लोग मेरे को पाकिस्तानी बोलते हैं। अच्छा, क्यों क्यों? मालूम नहीं, बोलता है फेस सेम ऐसा ही है। तो आप बोल दिया करें ना कि हाँ भाई, नहीं आप बोल दिया करें, हाँ होटल भी होटल में हम लोग काम करते हैं, सब लोग फेस दे के बोलते हैं तो नहीं, वैसे सच बताऊँ आप लग भी रहे हैं। नहीं तो बोल दिया करें कि हाँ भाई हो, कोई मसला नहीं भाई, 1947 से पहले सभी इकट्ठे तो थे, ऐसा ही है, हाँ ये चीज है जो पूरा खराब कर रहा, ऐसा ही काम करते हैं जिसमें कंपनी में उसमें हिंदू है मुस्लिम है, आपका पाकिस्तान का ज्यादा लोग है, ठीक है ठीक है, हमारे 80% के साथ में बनता है, ठीक है, बाकी 20% के साथ है बनता वो बहुत, तो इधर से ये आइडिया हुआ कि ज्यादातर लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं, करते हैं, तो 20 जो 20% है उन्हें इग्नोर करने की कोशिश किया करें, या फिर ये उन्हें थोड़ा समझा दिया जाए, और ये दोनों साइड पे मैं तो हर जगह पे बुरे लोग समझाते हैं, लेकिन कई लोग है समझता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है, समझेगा वक्त आएगा, समझना पड़ेगा, उतर आते हैं, कोशिश करेंगे ना आपको जरूर मुकाम हासिल होगा, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा ऐसे। हेलो सर, कैसे हैं? अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो सर, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये देखिए यहाँ पे हम मौजूद हैं आप लोगों के साथ ही, दरअसल इंडिया का भी प्लान था लेकिन वीजा की वजह से थोड़ा इशू हो रहा था, तो हमने सोचा ये बहुत बड़ा इवेंट है और एक तो इसे कवर भी करते हैं, वैसे भी विजिट जाके करते हैं, इंडियन कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी सभी से मुलाकात करते हैं। आपका नाम? फ्रॉम वेयर, मतलब सिटी कौन सा आपका? इंडिया में, यूपी से। तो क्या आप समझते हैं कि ये इवेंट पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहा है? क्या बताएं इसके बारे में, आप क्या मोहब्बत का मैसेज तो दे रहा होगा।
चले बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो मैं ये मेरे ख्याल से थोड़ा आगे विजिट भी करते हैं, थोड़ा देखते हैं। ओके से मिल लीजिए आपको बड़े फैन जी, हम ये मिले हैं मुझे पहले। चले ओके, थैंक यू, वेलकम। अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। आप कहाँ से? गुजरात, इंडिया। गुजरात से? गुजरात से काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा कम्युनिटी गुजरात से है। मैम भी गुजरात से है। अच्छा, आप देखते हैं वीडियोस, क्या लगता है कि ये जो हम कोशिश कर रहे हैं इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने की, कुछ पॉसिबल है ये या वैसा ही बस चलेगा? कौन सा मतलब ये जब जो भी यहाँ पे ये मैसेज क्या देना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से या ओवरऑल? ओवरऑल हम यूएई में ऐसा हमको कुछ नहीं है, सबको सब मिलके रह रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ओके जी चले। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। क्या बात है यार, ये वीडियो मैं कहूंगा कि वहां पे विजिट पे नहीं थी, ये मेरे ख्याल में मीट एंड ग्रीट था। क्योंकि देखें, एक तो ठीक है वो यूट्यूबर है, एक पॉइंट हो गया कि वो यूट्यूब यूज करते हैं तो वहां पे है, तो चलो फेम में है। सेकंड थिंग, वो जो काम कर रहे हैं ना लोग, जितने भी मैंने देखा है यहाँ पे लोग जो है जिन्होंने अप्रिशिएट किया, वो उसी बात को लेकर अप्रिशिएट कर रहे थे कि यार आप जो है वो दोनों कम्युनिटी को नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलीजन का वो जो गैप है ना उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को आपने पकड़ा हुआ है। एवरी पर्सन, जितने भी लोग उनसे मिलने आए हैं, हर पर्सन ने यही बात, यही सवाल, हम आपके क्लिप देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम हमने देखा है, बड़ा पॉजिटिव उसमें पैगाम है पाकिस्तान को लेकर और हिंदुस्तान के लोगों को लेकर। जो मिस्टेक्स या मिसबिहेवियर चीजें कुछ ऐसी थी कि गलत फहमियां जिनको कह लें कि वो डाली गई हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और वाकई हमने ये देखा है कि बहुत सारे इंडियन हमारे भी फ्रेंड हैं, तो जहां पर इंडियन अवाम की बात की जाए और पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए, ये लोग आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये ना मीडिया का बड़ा रोल है इन नफरतों को बढ़ावा देने। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं, लेकिन यह कि ये भी आप प्रिंट मीडिया का हिस्सा है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। ये जुहैब भाई जो है, ये मेरे ख्याल में जिस तरह के हालात इनके ऊपर चल रहे थे और आप लोगों को पता होगा, तो मैं मेंशन करना चाहूंगा हमने वीडियो क्रिएट की थी उसके ऊपर जब इन्हें पकड़ा गया और सारा वो सिलसिला हुआ। लेकिन यह है कि वो जब हमने अपलोड करनी थी उससे पहले वो रिलीज हो गए, हमने अपलोड की हुई थी, हमने अपलोड की थी पब्लिश के पे जो है ना, वो टाइमिंग लगाई, शेड्यूल लगाया हुआ था। तो लेकिन जब मैंने देखा कि वो तो रिहा हो चुके हैं, तो फिर मैंने वो शेड्यूल से हटा दी और फिर जो है वो वीडियो प्राइवेट ही पड़ी हुई है अभी हमारे पास, पड़ी हुई है। लेकिन ये है कि हमने अपलोड नहीं की, पब्लिश नहीं की, अपलोड हुई थी। तो हमने इनके हक में जो है वीडियो बनाई थी शुएब चौधरी के साहब के नाम पे, जो कि अब्द अली की जो वीडियो थी, अब्द अली ने जो उसमें जो है ना वो बताया हुआ था सारा कि किधर है, कैसे करेंगे हम, क्या करना है, तो उस वीडियो पे हमने रिएक्शन दिया हुआ था। तो लेकिन हम जो है पब्लिश नहीं कर पाए और उससे पहले ये छूट आए, और हमें खुशी है कि चले पहले ही छूट आए हैं। और बाकी ये है कि बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने ये बात भी मेंशन की है जी कि आप तो वहां की जेल में भी पकड़े भी गए थे इससे, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक पैगाम दिया। वो कहते हैं कि अच्छाई की रस्ते पे जब भी इंसान चलता है तो मुश्किलात का सामना तो बंदे को करना ही पड़ता है। बिल्कुल, अच्छाई की ये दलील है कि जब इंसान अच्छे रस्ते का इंतहाब करता है तो रस्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन उस अच्छाई के रस्ते से अगर हटा ना जाए तो इंसान जो है वो उसको अच्छाई के रस्ते को आगे बढ़ाने में वो कह लेंगे वो इंसान मर के भी अमर हो जाता है फिर। लेकिन कुर्बानियां भी होती हैं, नो डाउट, जिसमें कोई शक नहीं है। ये भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा, अगर आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं, सच्चाई के रस्ते पे हैं, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज की या कोई ऐसी कीमती चीज जो आपकी बहुत कीमती है उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये नेचुरल है, ये फैक्ट है, ये कुदरती तरीका है। तो उनके साथ मेरे ख्याल में, क्योंकि फैमिली को जिस तरह हार्म किया गया, उनको भी डिग्रेड किया गया, उसके बाद धमकियां लगी, जो कुछ भी हुआ, लेकिन ओवरऑल उनको अभी मसला जो है कंट्रोल में आ गया। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर आप ओपनली बोल नहीं सकते। हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी कुछ चीजों को देखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो हम कहते हैं बीच में बात हो रही होती है कि यार थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उस पॉजिटिविटी की पॉजिटिव प्रोग्राम कह लें कि इशू को इशू कह लें आप, उसको हमने आगे लेके चलना होता है, ना कि उसको रोकना होता है। अगर हमने रोकना हो, एक ही बार में बोलना हो या कुछ कहना हो या बड़ास निकालनी हो, वो हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम YouTube पे नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई साइड कर दिए जाएंगे जैसे हालात जाएगा, तो फिर वो मैं मेंशन नहीं करना चाहता कुछ और, लेकिन ये कि कुछ थोड़ा बहुत लेवल में रहकर
इक्वालिटी में रहकर बात करनी पड़ती है थोड़ा संभल के, क्योंकि हम लोगों की फैमिलीज भी हैं आप लोगों की तरह। तो ये है कि हम अपना अपने बारे में खाली सोचे तो दैट्स ओके, लेकिन जब फैमिली में बात आती है तो आपको रुकना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में। और हम चाहते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ये पॉजिटिविटी का जो है ना मैसेज, ये पैगाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें, ताकि लोगों की समझ में भी आए और हमें भी अच्छा फील हो रहा है, हम भी और ज्यादा चेंज हो रहे हैं, हमें भी बेहतरी आ रही है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि ये नफरतें खत्म हो और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। नफरत जो है वो बंदे को डुबो देती है, बंदे को आगे नहीं बढ़ने देती, तो नफरत खत्म करके साइड पे कर देनी चाहिए और जो एकता है इंसानियत है उस पर बात करनी चाहिए, इंसानियत को लेके आगे चलना चाहिए। मजहब आपके साथ ही रहता है, मजहब कोई भी नहीं छीन सकता, तो मजहब को किसी चीज से खतरा नहीं होता, लेकिन इंसानियत जो है वो जिंदा रखनी चाहिए और बाकियों का भी एहसास करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। जैसे कि दुबई वालों ने एहसास किया, इंडिया जो वहां पे लोग काम करते हैं या जो विजिट कर रहे होते हैं वहां पे, उनके लिए एहसास किया और उनके लिए इबादत गाह एक जो है वो बनवाई। और ये तो वाकई जी दुबई वालों को जो है वो इसका क्रेडिट जाता है, और इसका क्रेडिट जो है मोदी सरकार को भी जाता है, मोदी गवर्नमेंट को भी जाता है और मोदी जी को भी जाता है और उन लोगों को भी जाता है जो वहां पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं दुबई में। तो बाकी ये बात करें कि वो हमारे शुएब भाई भी उधर गए हुए हैं और मुझे आज ही पता चला है, और मैं नहीं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पिछली वीडियो भी लेके आता, लेकिन वो चले जो लेटेस्ट वीडियो थी वो हम लेके आए हैं और मुझे नहीं था पता कि इसमें मीटअप है। और ये भी अच्छा लगा कि वहां के जो जितने इंडियन लोग हैं उनको पहचान भी गए हैं और वो उन पर तारीफ भी कर रहे हैं। ये होती है जो इंसानियत पे बात करता है उनके बाद में जो तारीफें भी होती हैं, ये नहीं है कि सारे दुश्मन ही हो जाते हैं, ये तारीफें भी होती हैं और एक ना एक दिन उसका फल भी मिलता है। छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि ये जिसे कहते हैं ना आइडियलाइज करना किसी बंदे को, लोग आइडियलाइज कर रहे हैं इनको, क्यों, ये हक सच के साथ खड़े हैं और पॉजिटिव चीज को आगे लेके आ रहे हैं, अच्छाई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकता करने की कोशिश कर रही हैं, वो गैप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बंदे जो हैं इनके साथ जो है ना मीटअप करना, मुलाकात करनी, उनके साथ सेल्फी लेना, असल हीरो जो है कहीं ना कहीं इनका भी वो हिस्सा उसमें आता है। और उन्होंने वहां पे विजिट किया, ये बड़ी बात है, मुझे कोई और मीडिया वाला मेरे हाथ में पाकिस्तानी नजर नहीं आया। और ये वाहिद थे क्योंकि ये पाकिस्तान में भी उन कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, उनके मतलब मिनोरिटी को सपोर्ट करते हैं। वही उन्होंने जैसे उन्होंने मेंशन किया कि वो जो कराची में मंदिर डिमोलिश किए हैं, हमने आवाज उठाई है और उसकी वजह से जो है वो कराची में जो है वो अभी गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो मंदिर दोबारा से वहां पे बनाने का कह रहे हैं। और ये उन्होंने बोला है कि ये एक अच्छी न्यूज है। बिल्कुल, और लोग भी जो है वो उनसे बड़े खुश दिली से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव बात करते हैं और पॉजिटिविटी को फैलाते हैं और यही अच्छी चीज उनकी लगती है और सेल्फियां ले रहे हैं और यही होती है कदर एक, और वो कदर कर रहे हैं उनकी तो, और रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और वो भी आगे से जो है वो सुहेब भाई भी जो है वो सबसे मिल रहे हैं, हंस के मिल रहे हैं और सबकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या कोई और मजहब के हैं, वो सबको जो है वो एक साथ ही देख रहे हैं और वहां पे पहुंचे हुए हैं, वहां की कवरेज कर रहे हैं और उनकी सीरीज पड़ी हुई है। अगर कुछ जिन लोगों को जो हमें देख रहे हैं नहीं पता तो जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा इनकी वीडियो का, देखते हैं सारे फॉलो करते उनको, तो जाहिर है देखते ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं देखते, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं देखता होगा तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बेशक वो जाके सारी सीरीज देख सकता है उनकी। बिल्कुल, और मुझे तो वीडियो अच्छी लगी है और इनका जो मीटअप था वो भी अच्छा लगा है और पसंद भी आया कि मुस्लिम पाकिस्तानी भी हैं वहाँ पे, इंडियन भी हैं वहाँ पे, मुस्लिम भी इंडियन भी हैं वहाँ पे, सारी कम्युनिटी के थे वो, सिख ब्रदर भी नजर आए थे वो, स्कोटी वाले भी और वैसे भी थे, तो मजा आया जी देख के और इन सबको एक जगह देख के। और वहां पे अब कह रहे थे कि मस्जिद भी बनेगा, चर्च भी बनेगी, और मैं कहता हूँ कि तीनों जो हैं वहां पे जाएंगे और वहां पे विजिटर भी हो जाएंगे, दुबई वालों को भी फायदा है इस चीज से, लेकिन ये है कि तीनों धर्म के जो हैं वहां पे जाएंगे, बल्कि चार शायद धर्म भी जाएंगे, एक अलग कंट्री में हो सकता है कोई गुरुद्वारा भी बन जाए उधर, बनेगा नो डाउट बनेगा। और ये चीज अच्छी है कि किसी और कंट्री में और वहां का लॉ जो है वो स्ट्रिक्ट है नो डाउट, तो वहां पे जैसे एक भाई साहब ने एट द एंड कहा कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं होती, मतलब ऐसा कोई वहाँ पे ये है कि नफरत नहीं फैलाई जाती ना, नफरत नहीं होगी तो वो सारे रिलीजन जो है इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं मीटअप होगा लोगों का, बिल्कुल दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ, तो वो जो नफरतें मीडिया के थ्रू फैली हुई है और तरह से फैली हुई है, मेरे ख्याल में वो कम करने में मदद मिलेगी मेरे ख्याल से। हाँ, जो भी अगर किसी भी कम्युनिटी का बंदा जाएगा वो अपनी उस जगह पे उस स्थान पे जो है वो जाके मदद करेगा और बाकी जो स्थान है जगह है उन पे जाकर विजिट करेगा, जैसे वो भी देखेगा अपनी इबादत भी करेगा। जैसे हम वहां पे मतलब जैसे जुहेब भाई विजिट के लिए गए हम जाते तो मेरे ख्याल में वो तीनों चीजें तीनों जो है इबादत गाहें होती
और बनी हुई, और उसपे हम विजिट करने के बाद लोगों से मिलते, लोगों का विजिट होता, तो मेरे ख्याल में वो जो सिचुएशन, वो मैं वही बताने वाला हूँ कि मैं इधर गया और उधर जो है मेरे क्रिश्चियन दोस्त भी था एक साथ मेरे, और हम जो है वो खाने पीने के लिए एक जा रहे थे, और एक मतलब समझ लें कि एक दुकान में जाना था, वहां पे जो है वो पापड़ी चाट खानी थी, तो वो खाने के लिए जा रहे थे, तो मेरे साथ क्रिश्चियन दोस्त था मेरा, तो मैंने सामने नजर पड़ी तो सामने चर्च भी था, साथ में जो है मस्जिद भी थी, दोनों एक साथ थे, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख तुम्हारा चर्च भी है हमारी मस्जिद भी है, देख एक साथ है, वो भी खुश हो गया और मुझे भी अच्छा लगा कि वो मेरे साथ है और उसको भी दिखाएगा आपका भी चर्च है और हमारी भी मस्जिद है वहां पे, तो वो एक अंदर से एक खुशी भी थी कि उसका भी है मेरा भी है, तो इस तरह इंसानियत होती है। भाई का मैं वेट कर रहा था एट द एंड के कब मोदी सरकार के सामने वो होंगे और कहीं दूर से ही मीटअप कर लेंगे, लेकिन यह कि वो बीच में जो है वो सीन नहीं आया, बहरहाल इन्होंने मुलाकात नहीं की होगी लेकिन दूर से देखा होगा, निहारा होगा नो डाउट, और यह भी बड़ी प्राउड वाली बात है। अगेन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हमारी टीम की तरफ से, और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह मिलते हैं। और जो है वो फिर भूल गया मैं, महाभारत अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो वो जाए दूसरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है हमारे महाभारत रिएक्शन चैनल का, वहां पे जाए महाभारत देखें, जिसको नहीं पता वो लाजमी विजिट करे। और दूसरा जो है हमजा को जो जानते हैं लोग, और उसने जो है वो अपना जो है चैनल बनाया है और व्लॉग बना रहा है, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा हमजी व्लॉग के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें जी, जाए उसको जाके लाइक ठोके और सब्सक्राइब ठोके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।